इंदौर जिले की महू उपजेल के सफाई कर्मी को लोका एक टीम ने रिश्वत लेते पकड़ा है। जानकारी के मुताबिक कैदी के परिजन से मुलाकात करने एवं सुविधा देने के नाम पर रिश्वत मांगने पर लोका एक टीम द्वारा उपजेल के आरक्षक और सफाई कर्मी को रिश्वत के मामले में गिरफ्तार किया गया है। लोकायुक्त डीएसपी प्रवीण बघेल ने बताया कि जितेंद्र सोलंकी की शिकायत पर महू उपजेल के सफाई कर्मी मनीष बाली को 25,000 रुपयों की रिश्वत लेते पकड़ा गया है, जिसमें आरक्षक राजेंद्र राठौर के भी संलिप्त होने की पुष्टि हुई है, जिन दोनों पर कार्रवाई की गई। तारीख को 26 फरवरी में पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष जो है आवेदक फरियादी हैं जितेंद्र सोलंकी, शिकायत लेकर उपस्थित हुए थे कि इनका एक जो दोस्त है वो महू उपजेल में बंदी है, उसको सुविधाओं के नाम पे जो है उपजेल का स्टाफ उनसे रिश्वत की मांग कर रहा है। पहले कुछ रिश्वत की मांग देना ये बता रहे थे, तो इनके जब इन्होंने शिकायत दी तो हम पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा छाया साक्षी के साथ रिकॉर्डिंग कराई गई उनकी डिमांड की, जिसमें जो स्टाफ था अजेंद्र राठौर के द्वारा बंदी से मुलाकात के नाम पर रिश्वत लिया जाना पाया गया था, उसी के आधार पर आज ट्रैप दल का गठन किया गया और महू उपजेल में आरक्षक जो राठौर हैं अजेंद्र सिंह, उनको ये कहते हुए पाया गया कि जो रिश्वत की राशि है वो बाहर एक सफाई कर्मी है बाली, उसको दे दें, मनीष बाली को। और हम लोग की टीम जो है वो मुलाकातियों के रूप में ही उपजेल में उपस्थित थी, तो उसी समय मनीष बाली को 25,000 रुपये की रिश्वत राशि के साथ जो है पकड़ा गया था। और अभी हम जो है इसमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत कार्रवाई कर रहे हैं।